दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। अब करण को पता लगेगा कि किस तरीका से यहाँ पर प्रीता का किडनैप हो चुका है और प्रीता का किडनैप वरुण ने ही करवाया है। ये बात अब सभी को पता लगती हुई भी नजर आने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि वरुण ने काव्या का किडनैप करवाने वाला था, लेकिन प्रीता का किडनैप हो चुका है और इस समय राखी बोलती हुई नजर आने वाली है करण से कि करण बेटा जो भी हो प्रीता को फिलहाल ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि वो हमारी इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है, और ऐसा ना हो प्रीता के साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप लोग जानते ही हैं कि जब राखी ने ये चीज़ करण से बोल ही दी तो अब ऐसा कोई ताकत नहीं है जो प्रीता को ढूंढने से रोक सके। लेकिन यहाँ पर निधि बहुत ज़्यादा खुश होती हुई नज़र आ रही है कि चलो इस घर से प्रीता तो गई, लेकिन निधि को पता नहीं है कि करण प्रीता को हर कीमत पर ढूंढ कर लाएगा और इस घर में साफ साफ देखा जाएगा कि किस तरीका से करण और प्रीता फिर से एक दूसरे के साथ में टुगेदर नज़र आने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर राजवीर बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आने वाला है। यहाँ पर करण बोलेगा कि अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा कुछ होगा कि सबको तहलका मचाता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राजवीर का गुस्सा जायज़ भी है। हालांकि यहाँ पर आप काव्या बोलती हुई नज़र आएगी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो हो रहा है वो बेहद ही ज़्यादा अच्छा होता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी का एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया टूट आता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम अब और राजवीर को भी पता चलेगा कि लूथरा परिवार मेरी माँ के लिए कितना ज़्यादा चाहता है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है गाइस।